1 जनवरी 2021 से मैंडेटरी हो गया है फास्टैग, बट फिर भी एक हाइब्रिड लेन रहेगी जो कैश कलेक्ट करेगी, वो भी सिर्फ 15 फरवरी तक। उसके बाद सारी कैश लेन्स हट जाएंगी, सिर्फ फास्टैग वाली लेन्स रह जाएंगी। और ये सब 1 जनवरी से होने वाला था, बट कैश लेन्स की डेट 15 फरवरी तक एक्सटेंड कर दी गई है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फास्टैग क्या है, फास्टैग यूज़ कैसे होगा, और कैसे आप सिर्फ 2 मिनट में पेटीएम से फास्टैग अप्लाई कर सकते हैं। मेरा नाम है सागरभूत राजा और आप देख रहे हैं मेरे चैनल नॉलेज एफर्टलेस। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मोस्ट वेलकम, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि हमारी नई और इंटरेस्टिंग वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फास्टैग क्या है? फास्टैग एक स्टिकर है जो आपकी गाड़ी की विंडशील्ड पे लगेगा, और रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आपको एक बारकोड मिलेगा जो आपकी व्हीकल की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स और जो आपका बैंक अकाउंट है जिससे आपका टोल चार्जेस डिडक्ट होंगे उन दोनों से लिंक्ड होगा। और फास्टैग अभी सिर्फ 4 व्हीलर्स के लिए मैंडेटरी है, 2 व्हीलर्स जो हैं वो अभी एग्जेम्प्टेड हैं। अब जानते हैं फास्टैग कैसे अप्लाई करें पेटीएम के थ्रू, बिकॉज हाफ ऑफ द इंडियंस ऐसे हैं जिनके सर पे डंडा ना पड़े ना तो वो काम नहीं करते। जब तक कैश लेन्स की लंबी लंबी लाइनों में नहीं खड़े होगे तब तक नहीं अप्लाई करोगे। तो इससे बेटर है कि अभी अपना फ़ोन उठाओ और पेटीएम, जिसको हम सब यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, उसके थ्रू सबसे ईजीली फास्टैग अप्लाई करो और कैश लेन की लंबी लंबी लाइनों से बचो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और पेटीएम से फास्टैग अप्लाई करने के लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक व्हीकल नंबर और एक RC। बाय फास्टैग वाले ऑप्शन पर टैप करना है, व्हीकल नंबर डालना है, अपनी व्हीकल की RC की फ्रंट और बैक साइड की क्लियर फोटो अपलोड करनी है, देन अपना कंप्लीट एड्रेस फिल करना है विद पिन कोड एंड नेम। उसके बाद पेमेंट करनी है 500 रुपये की, 500 रुपये में टैग इशुएंस फीस दैट इज़ 84.75 रुपीज़, GST 15 रुपये 25 पैसे, रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा 250 रुपये का, और बैलेंस होगा 150 रुपये का। ये आप डिटेल्स चेक कर सकते हो। जो फास्टैग पेटीएम से बाय किया जाता है वो पेटीएम वॉलेट से लिंक हो जाता है, तो जब आप टोल प्लाजा से गुजरोगे तो डायरेक्ट फास्टैग के थ्रू आपके पेटीएम वॉलेट से ही टोल के पैसे कट हो जाएंगे। तो पेटीएम वॉलेट में आपको बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। बाय फॉर 500 रुपीज़ पर टैप करके तो बस पेमेंट करनी है, और कुछ ही दिनों में आपका फास्टैग आपके घर पे होगा बाय पोस्ट। पेटीएम से फास्टैग अप्लाई करने के 2 बड़े बेनिफिट्स हैं। एक तो आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक व्हीकल नंबर और RC की फोटोज लगेंगी, और आपको बार बार फास्टैग रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज पेटीएम वॉलेट से ही आपके चार्जेस डिडक्ट होते रहेंगे। पेटीएम के अलावा भी आप बहुत सारी जगह से फास्टैग अप्लाई कर सकते हो, पब्लिक बैंक हो गए, प्राइवेट बैंक हो गए, सारी जगह से आपके फास्टैग अप्लाई हो जाएंगे, बट सबसे ईजी तरीका मेरे को पेटीएम लगा तो मैंने आपको बता दिया। सो आज ही आप घर पे बैठे हुए फास्टैग अप्लाई करें। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन कीप गेटिंग नॉलेज एफर्टलेसली।